ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के सेकंड सीजन के हवाले से अहम अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर चैनल पर नया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां, तो आपका पसंदीदा ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का पहला सीजन जैसे ही इख्तिताम पर हुआ तो आप लोगों के दिल बुझ गए। लेकिन नाजरीन, तो आप लोगों के दिल बुझने नहीं चाहिए, क्योंकि बिलाल अब्बास ने लास्ट एपिसोड में ख़ुद बता दिया कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का सेकंड सीज़न भी है बिल्कुल तैयार। जी हाँ, तो इस हवाले से आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ कि बिलाल अब्बास ने तो ये कह दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का सेकंड सीज़न में क्या कुछ होगा और सेकंड सीज़न कब तक लॉन्च किया जाएगा। नाजरीन, तो जैसे कि आपको पता है कि बिलाल अब्बास ने ख़ुद ही कहा था कि इश्क मुर्शिद का सेकंड सीज़न भी आएगा और आप लोग इंतज़ार कीजिए। नाजरीन, इसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इश्क मुर्शिद के सेकंड सीज़न में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं अनाउंसमेंट के, और कुछ दिनों बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इश्क मुर्शिद जो ड्रामा सीरियल है उसका सेकंड सीज़न जो है वो किस दिन लॉन्च किया जाएगा। इश्क मुर्शिद के फर्स्ट सीज़न में बहुत से लूपहोल्स जानबूझकर छोड़े गए, जैसे कि महरीन जो कि हारून बेग की बेटी थी उसके बारे में नहीं बताया गया कि वो कहाँ गए। हारून बेग को तो मार दिया था शामिर ने जहर देकर, जिस तरह से उसकी माँ को जहर दिया था हारून बेग ने, तो क्या अब किस तरह से बदला लेगी अपनी बाप की मौत का शामिर से महरीन, और किस तरह से इनकी हुकूमतों का तख्ता उल्टेगी महरीन, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा सेकंड सीज़न में। इसके अलावा आपको सेकंड सीज़न में और भी बहुत कुछ मिलेगा कि सेकंड सीज़न में किस तरह से वो महरीन शिबरा को जो है वो मार देगी और फिर शामिर को हासिल करेगी। ये सब कुछ आपको सेकंड सीज़न में देखने को मिलेगा, और अमली सियासत में कदम रखेगी शिबरा भी जो है वो सेकंड सीज़न में, और बिल आखिर वज़ीर आज़म भी बनेगा बिलाल अब्बास यानी कि शामिर। तो सेकंड सीज़न कब आ रहा है उसकी डेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाइएगा।